कल का मॉल था, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो लेसन प्लान बनाना होता है वो कैसे बनाना होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सब में डालने होते हैं, जैसे दिनांक हो गया, कक्षा हो गया, विषय हो गया, कालांक, समय, अवधि और उपविषय। देखिए विद्यालय का नाम, उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका। देखिए इसमें जो टॉपिक है वो है वायरस का, ठीक है। तो वायरस के बारे में सबसे पहले इसमें सामान्य उद्देश्य कुछ होते हैं, तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, कुछ 10 पॉइंट्स या आप जितना मर्जी वो उतना कर सकते हैं, जैसे 7, 8, 10 जो भी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, शिक्षण सामग्री क्या यूज़ कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन जो स्किल होता है यानी प्रस्तावना कौशल। उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वायरस से, तो वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, 4 कॉलम से बनते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, और ये अनुक्रिया क्या होगी, और सैंपट कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये आपको ब्लैक बोर्ड पे बनाना होता है, ठीक है। ये आपको बताना होगा कि ये तंबाकू का वायरस किस तरीके से। देखिए इसको जो प्रेजेंटेशन है उसको पॉइंट वाइज करेंगे, जैसे पहला जो हो गया था क्या होता है, उसके बाद इसकी खोज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्पष्टीकरण है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए या वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। लास्ट में मूल्यांकन, उन्हें कितना समझ आया, और गृह कार्य कर देंगे, उसके बाद ये देकर समाप्त कर देंगे। तो इसमें 5 बनाने होते हैं आपको, मैं सारे आपको 1 by 1 सेंड कर दूंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।